Welcome to Alpha, the city of 1,000 planets, where for hundreds of years, every species has shared their knowledge and their intelligence with each other. It's paradise. Amazing. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, अर्थ के अलावा जितने भी दूसरे प्लैनेट्स और हमारे स्पेस का जो भी पार्ट है, वो साईफाई मूवीज ने ही हमें दिखाया है। ग्रेट विजुअल्स और मोस्ट क्रिएटिव स्टोरीज वाली साईफाई मूवीज में सबसे बेस्ट होती हैं वो मूवीज जो किसी न्यू प्लैनेट पर बेस्ड होती हैं, एक नया वर्ल्ड हमें दिखाती हैं। तो साईफाई मूवी फैंस के लिए स्पेशल इस वीडियो में आज हम ऐसी ही ग्रेट मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जो अनदर प्लैनेट पर बेस्ड है। आज का हमारा ये वीडियो टॉप 10 साईफाई मूवीज अबाउट अदर प्लैनेट्स के बारे में है। वर्ल्ड्स बेस्ट स्पेस एडवेंचर मूवीज वाले वीडियो के बाद आज इस वीडियो में सबसे बेस्ट और मोस्ट एंटरटेनिंग हिंदी डब्ड और इंग्लिश साईफाई मूवीज में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। अब जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, फिर चलिए साईफाई मूवीज से भरपूर आज का ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है जुपिटर असेंडिंग। ये 2015 में आई एक स्पेस ऑपेरा फिल्म है। दोस्तों, स्पेस ऑपेरा साईफाई का ही एक सब जॉनर होता है जिसमें स्पेस वॉरफेयर, मेलोड्रामा और रोमांस जैसे एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। एक्शन एडवेंचर से भरपूर इस साईफाई फिल्म की स्टोरी एक यंग वुमन पर सेंटर्ड है जिसकी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एक दिन अचानक से बदल जाती है जब उसे अर्थ के इनहैबिटेंट्स को बचाने का टास्क मिलता है। फिल्म के लीड कैरेक्टर्स एक एंशिएंट डिस्ट्रक्टिव फोर्स से अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके चलते स्टोरी दूसरे प्लैनेट्स और डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स से डील करती नजर आती है। तो एक्शन और एडवेंचर से भरपूर एक एवरेज साईफाई फिल्म अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो जुपिटर असेंडिंग फिल्म को आप ट्राई कीजिए। यह नेटफ्लिक्स पर हिंदी सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। नंबर 9 पर है यूरोपा रिपोर्ट। ये 2013 में आई एक साईफाई फिल्म है। फाउंड फुटेज फॉर्मेट में बनी ये फिल्म स्पेस डिस्कवरी पर बेस्ड है, जहां लीड कैरेक्टर्स एक दूसरे प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्टेंस की तलाश में जाते हैं। फिल्म में हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स का एक क्रू जुपिटर के फोर्थ लार्जेस्ट मून पर लाइफ की एग्जिस्टेंस डिस्कवर करने जाता है। अब ये वेल प्लान्ड मिशन एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग शेप ले लेता है और कुछ हॉरिफिक सिचुएशन क्रू मेंबर्स के सामने रखता है। अब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में ये स्पेस क्रू कैसे इस यूरोपा मिशन को कंडक्ट करते हैं, ये इंटरेस्टिंग पार्ट फिल्म देखकर आप डिस्कवर कीजिए। ओनली 1 hour and 30 minutes की इस इंटरेस्टिंग फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पर है वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स। 2017 में आई ये एक यूनिक और इंटरेस्टिंग स्पेस फिल्म है जिसमें सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स आपको देखने को मिलेगी। इस साईफाई फिल्म में न्यू प्लैनेट्स के साथ साथ फैंटेसी, एक्शन, एडवेंचर और थोड़ी सी कॉमेडी भी आपको नजर आएगी। फिल्म में हम देखते हैं कि जब एक डार्क फोर्स अल्फा नाम की एक ह्यूज मेट्रोपोलिस पर अपनी नजरें गड़ाता है, तब दो स्पेशल ऑपरेटिव्स यूनिवर्स के फ्यूचर को बचाने के मिशन पर निकलते हैं। दोस्तों, ये एक न्यू टाइप साईफाई फिल्म है जिसका यूनिक कंसेप्ट, ग्राफिक्स और स्टोरी काफी अट्रैक्टिव है। इस यूनिक स्पेस मूवी को आप Amazon Prime पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पर है सनशाइन। ये 2007 में आई एक इंटरेस्टिंग साईफाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। इसके रिलीज टाइम यानी कि ईयर 2007 को देखते हुए इसका कंसेप्ट एकदम माइंड ब्लोइंग नजर आता है। फिल्म की स्टोरी ईयर 2057 में सेट है और स्टोरी कुछ एस्ट्रोनॉट्स को फॉलो करती है जो डाइंग सन को रीइग्नाइट करने के लिए एक डेडली मिशन पर जाते हैं। उनका ये मिशन उनकी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा चैलेंजिंग होता है और हर एक कदम पर उनको टेस्ट करता है। दोस्तों, फिल्म में इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ साथ ग्रेट स्टारकास्ट भी आपको मिलेगी, जिसमें क्रिस इवांस और किलियन मर्फी के साथ साथ और भी ग्रेट एक्टर्स आपको नजर आएंगे। ये बोल्ड कंसेप्ट पर बेस्ड स्पेस एडवेंचर फिल्म हार्डकोर साईफाई फैंस को तो एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। यह फिल्म अनऑफिशियल सोर्सेस पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है सेरेनिटी। ये 2005 में आई एक स्पेस वेस्टर्न फिल्म है और यह फिल्म क्लासिक साईफाई एडवेंचर टीवी सीरीज फायरफ्लाई का कंटिन्यूएशन है। इस सीरीज के फाइनल एपिसोड्स के बाद के इवेंट्स इस फिल्म में दिखाए गए हैं। फिल्म की स्टोरी सेरेनिटी स्पेसशिप के क्रू को फॉलो करती है। ये क्रू अलायंस की तरफ से फ्यूजिटिव है और अब अलायंस अपने सबसे टॉप असैसिन को इस क्रू के पीछे भेजती है, जिससे कि इस क्रू की मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं। दोस्तों, हाई साईफाई थ्रिल, फुल ऑन एक्शन एंड एडवेंचर, बेहतरीन कैरेक्टर्स और एक अट्रैक्टिव स्टोरी ये फिल्म ऑफर करती है। तो इतना सब कुछ ऑफर करने वाली ये साईफाई फिल्म तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस फिल्म को एप्पल टीवी प्लस पर आप एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पर है फर्स्ट मैन। ये 2018 में आई एक बायोग्राफिकल स्पेस फिल्म है जो नील आर्मस्ट्रांग की लाइफ पर बेस्ड है। रायन गॉसलिंग स्टारर इस फिल्म को सबसे बेस्ट स्पेस मूवीज में से एक माना जाता है।
ये फिल्म नील आर्मस्ट्रांग की लाइफ और उनसे जुड़े एक लेजेंडरी स्पेस मिशन की स्टोरी दिखाती है, वो स्पेस मिशन जिसने आर्मस्ट्रांग को चांद पर कदम रखने वाला पहला आदमी बना दिया था। इस ब्यूटीफुल फिल्म का प्रेजेंटेशन एकदम लाजवाब है और इसके विजुअल इफेक्ट्स भी एकदम एक्सीलेंट हैं, जिससे कि ये फिल्म पूरा साईफाई फील व्यूअर्स को देती है। साईफाई मूवी फैंस के लिए ये ब्यूटीफुल स्पेस फिल्म एकदम मस्ट वॉच है। इस फिल्म को आप एप्पल टीवी प्लस पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर है मून। ये 2009 में आई एक माइंड ब्लोइंग साईफाई फिल्म है, जिसका बियॉन्ड इमेजिनेशन कंसेप्ट और इसका एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन इसे एक सुपर्ब साईफाई फिल्म बना देता है। ये मिस्ट्री ड्रामा फिल्म एक एस्ट्रोनॉट को फॉलो करती है, जो मून पर एक माइनिंग प्रोजेक्ट का सोलो एम्प्लॉय होता है, और जब उसका 3 ईयर वर्क कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है, वो घर वापस लौटने ही वाला होता है, तभी उसके साथ एक दिमाग हिला देने वाला इंसिडेंट होता है, जो फिल्म की स्टोरी में और इस एस्ट्रोनॉट की लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेकर आता है। अब ये स्ट्रेंज इंसिडेंट क्या होता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही आपको पता लगेगा। तो इस एस्ट्रोनॉट की मिस्टीरियस स्पेस लाइफ के बारे में जानने के लिए इस साईफाई फिल्म को आप जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 3 पर है एवेटार। 2009 में आई इस एपिक साईफाई फिल्म के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इस फिल्म ने सिर्फ साईफाई जॉनर का ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म मेकिंग का इतिहास बदल दिया था। जेम्स कैमरन की इस फिल्म ने जो मैजिक किया था, वो इससे पहले कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। जब अनदर प्लैनेट्स पर बेस्ड मूवीज की बात हो रही हो, तो इस फिल्म का नाम तो सबसे टॉप पर आता है, क्योंकि जो अमेजिंग न्यू प्लैनेट न्यू वर्ल्ड इस फिल्म ने व्यूअर्स को दिखाया है, वैसा अब तक कोई भी दूसरी साईफाई फिल्म नहीं दिखा पाई है। ये फिल्म मिड 22nd सेंचुरी में सेट है, जहां ह्यूमंस एक वैल्यूएबल मिनरल की माइनिंग के लिए पेंडोरा नाम के हैबिटेबल मून को कॉलोनाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म का कंसेप्ट, इसकी थीम, इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स और स्पेशली इसके विजुअल्स, सब कुछ एकदम बियॉन्ड इमेजिनेशन है। ये एक्सीलेंट साईफाई फिल्म हर एक मूवी फैन को एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ये अमेजिंग फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है द मार्शियन। ये 2015 में आई एक एक्सीलेंट साईफाई फिल्म है, जो ग्रेट स्टोरी, इमोशंस और स्पेस एडवेंचर्स से एकदम भरपूर है। फिल्म में प्रेजेंटेड इमोशंस और लीड स्टार मैट डेमन की एक्सीलेंट एक्टिंग फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है, और इन दो फैक्टर्स की वजह से ही ये फिल्म व्यूअर्स को पूरा फील होती है। फिल्म में एक एस्ट्रोनॉट का सर्वाइवल स्ट्रगल दिखाया गया है, जब वो अपने क्रू से पीछे छूट जाता है और मार्स पर ही फंस जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो मार्स पर सर्वाइव करने की कोशिश करता है। उसकी इस सर्वाइवल जर्नी के दौरान कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो देखने वाले की आंखें नम कर देते हैं। दोस्तों, अदर प्लैनेट पर बेस्ड साईफाई मूवीज में से द मार्शियन सबसे बेस्ट मूवी है, और कम से कम एक बार तो हर एक मूवी फैन को ये जरूर ट्राई करनी चाहिए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर यह फिल्म इंग्लिश में अवेलेबल है, और अनऑफिशियल सोर्सेज पर यह हिंदी में भी अवेलेबल है। Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. We are venting something into space. The ship's bleeding to death. We're not gonna have power left to get home. The Odyssey is dying. This is Odyssey. Signing off. You sure about this, Captain? How do you mean? I really don't know what the fuck's out there. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. नंबर 1 पर है इंटरस्टेलर। ये 2014 में आई एक वर्ल्ड फेमस एपिक साईफाई फिल्म है। साईफाई मूवी वर्ल्ड और माइंड बेंडिंग मूवी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फिल्म यह मानी जाती है। माइंड बेंडिंग फिल्म और बियॉन्ड इमेजिनेशन फिल्मोग्राफी करने वाले डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन की यह सबसे फाइनेस्ट मूवी है। इस फिल्म की स्टोरी ऐसे टाइम में सेट है, जहां ह्यूमैनिटी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में कुछ एस्ट्रोनॉट्स ह्यूमैनिटी के लिए एक न्यू होम की तलाश में जाते हैं। उसके बाद जो होता है, उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना एकदम इम्पॉसिबल है। न्यू प्लैनेट और स्पेस एडवेंचर के मामले में ये सबसे बेहतरीन साईफाई फिल्म है।
इस हाई कंसेप्ट साईफाई फिल्म को समझने के लिए इसकी हर एक डिटेल को नोटिस करते हुए इसे बहुत ही ध्यान से देखना कंपलसरी है। ये मास्टरपीस साईफाई फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पर हिंदी सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है और ये रिसेंटली अनऑफिशियल सोर्सेज पर गुड क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों, आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हॉलीवुड की सबसे बेस्ट मूवीज की लिस्ट के लिए स्क्रीन पर सजेस्टेड वीडियोस को एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आप एक ट्रू मूवी फैन हैं, तो मूवीज और वेब सीरीज की सबसे बेस्ट चॉइसेस के लिए द चॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।